ആദ്യം ദാന വെറുമനി സിഖാപദം സ്മാദിയോമി ആദ്യം ദാന വെറുമനി സിഖാപദം സ്മാദിയോമി ധമ്മപദ് ഗാഥ കഥ നമ്പർ 136 136 ദണ്ഡ ബക്കു അത് പാപനി കമ്മാനി കരം बालो ने बुज्जति से ही कम्मे ही दुम्मेधो अग्गी दंडो एव तप्पति। ये जो कथा है, एक बार महामोगलैन धम्मचारिका के लिए जाते हैं, धम्म सिखाने के लिए गांव में जाते हैं और पिंड पात के लिए जाते हैं। तो वो जाते समय एक पेत को देखते हैं, वो पेत को देखते हैं, पेत को समझते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, मुस्कुराते हैं और उसके बाद फिर वो चारिका करके वापस आ जाते हैं। वो भगवान को ये सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये पेत मुझे मिला और इस तरह का पेत था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो पेत है, इसने 7 बार एक सज्जन पुरुष का घर चलाया और 7 बार घर चलाने के बाद में फिर लोगों ने इसको समूह से निकाल दिया और ये पेत बन गया। दरअसल जो पेत होते हैं, यानी जिनको प्रेत बोलते हैं, उनको समूह से जो निकाला जाता है, यानी कि जहां वो गांव है या कोई मोहल्ला है या कोई शहर है, उसमें नहीं रहने दिया जाता, उससे उसको निकाल देते हैं। तो वो अपनी चारिका जब करते हैं तो वो जगह जगह पूरे जंगलों में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं और वो लगभग जानवरों जैसे हो जाते हैं। कहीं भी कुछ भी करें, उनका ना कोई समाज होता है, ना उनको कोई कहने वाला है, ना सुनने वाला है, उनकी कोई सोच वगैरह होती नहीं है, क्योंकि उनको निकाला गया है। इस तरह का जो दंड है, उससे आदमी पेत जैसी स्थिति में आ जाता है, उनको पेत कहते हैं। जब वो समूह में नहीं रहते, उनको अकेला रहना पड़ता है। ये घटनाएं आज भी चलती हैं। आज भी जैसे तड़ी पार होता है, कोई आदमी क्राइम करता है तो उसको तड़ी पार कर देते हैं, शहर से बाहर निकाल देते हैं, या देश निकाला देते हैं, या गाँव का निकाला देते हैं, या आपने देखा होगा कि गाँव में हुक्का पानी बंद कर देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी जो छन्न को दंड दिया था, जिसको वही दंड बोलते हैं, वही दंड का मतलब है बाहर रहने का दंड, जिसको वही कृत दंड बोलते हैं या बहिष्कृत दंड बोलते हैं, जो उन्होंने भिक्खु संघ से और पूरी सभा से निकाल दिया। कई बार हम परिवार में भी देखते हैं, जब छोटा मोटा झगड़ा होता है तो हम बात नहीं करते, तो बात ना करने का दंड देते हैं। कई बार कहते हैं कि इसको कोई नहीं देखेगा, तो उसको उपेक्षा करने का दंड देते हैं, उसको उपेक्षा कर देते हैं। क्लास में किसी बच्चे को अगर खत्म करना हो, झगड़ा करना हो, तो कहते कोई से बात नहीं करेगा, सारे अब इसको हो जाओ, वो एक तरह से दंड होता है। अगर ऑफिस में किसी का बायकॉट करना हो तो कहते हैं इसे काम मत दो, तो उसको काम ना कोई भी रोजगार या काम ना देने का दंड होता है। अगर जनसंख्या को दंडित करना हो या बहुत सारे लोगों को दंडित करना हो, तो उनके अधिकार ना दो, उनको जो रोजगार का अधिकार है उससे उनको वंचित कर दो, उपेक्षा कर दो उनकी, उनको काम ही मत दो, काम नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे, या उनको सुरक्षा मत दो तो वो मर जाएंगे, या उनको देश का नागरिक ही मत समझो तो वो मर जाएंगे, या उनको नागरिक का अधिकार ही मत दो तो वो खत्म हो जाएंगे। ये जो उपेक्षा का दंड है, जिसको वही कर दंड बोलते हैं, या बहिष्कृत या वही कत या जो निकाला बोलते हैं, देश से निकालने का या तड़ी पार का दंड है, ये बहुत खतरनाक दंड है। और इस दंड में सबसे बड़ी सजा ये होती है, क्योंकि आदमी सामाजिक प्राणी है, जब समाज से कट जाता है तो उसकी स्थिति जानवर जैसी हो जाती है, तो वो पेत बन जाता है। तो यहाँ भी वो पेत बन गया, मगर यहाँ जो पेत बने हैं वो अपने दंड के कारण बने हैं। और आजकल के समय में जो पेत बनाए जा रहे हैं, उनको जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत में पेत बनाया जा रहा है, तड़ी पार किया जा रहा है, काम से निकाला जा रहा है, सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये भगवान बुद्ध ने उपेक्षा जो बताई है, वो बहुत खतरनाक वहीकत जो दंड है, बहुत ज्यादा है। तो इस गाथा के अनुसार अथ पापानी कम्मानी, अथ माने तब, यानी कि जो पाप है, जो पाप का कर्म है, करंग बालो ने बुझती, करंग माने करके, बालो माने मूड़, ने माने ने और बुझती माने समझता है। आपने शब्द सुना होगा समझना बूझना, दरअसल समझना पाली का वर्ड नहीं है, बूझना पाली का वर्ड है, बूझती। तो बूझती से ही बाद में समझना बना है, तो बूझना समझना दोनों साथ साथ चलते हैं, बूझना पाली का है और समझना फिर बाद में संस्कृत भाषा का बना है। यानी कि जो तब जब वो पाप कर्म करता है, जो मूर्ख होता है, तब वो उसको नहीं समझता, नहीं बूझता, उसको समझ में नहीं आता कि जो काम कर रहा है वो पाप का है। यानी कि वो जो व्यक्ति है जिसने 7 बार घर को आग लगाई, तब तक उसको समझ में नहीं आया कि वो जो कर रहा है ये पाप कर्म है, बस वो कर रहा है। से ही कम्मे ही दुम्मे धो, से ही माने स्वयं के कारण से, कम्मे ही माने कर्म से, कर्मों से, और दुम्मे धो माने दुर्बुद्धि, यानी जो दुर्बुद्धि होता है,
जो दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति होता है वो अपने कर्मों से ही अग्नि दंडो एव तपति, अग्नि दंडो का मतलब है आग और दंडो का मतलब है आग में सिकता है, यानी कि आग में तपता है, आग में जलता है, तपति आग में जलकर तपता है, यानी कि ऐसे तपता है जैसे वो खुद की आग में जला हुआ तप रहा है। बाद में जब वो दुर्बुद्धि अपने ही कर्मों को बढ़ा लेता है, यानी कि जो व्यक्ति जब पाप कर्म करते समय ये नहीं समझता कि ये जो पाप कर रहा हूं इस पाप का क्या फल आएगा, तो बाद में वो अपने ही कर्मों के पाप में जलकर तपता है, अनुताप करता है, पश्चाताप करता है और पेत बन के घूमता रहता है। अगर मोहल्ले में, घर में, आसपास में कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे, चोरी कर दे और अपने पैसे से, अपनी शान से या अपने दबाव से या किसी भी हथकंडे से अगर वो राजदंड को ना प्राप्त करे, उसको कोर्ट कचहरी ना हो, थाना ना हो और वो बच जाए, फिर भी लोगों को ये पता रहता है कि इसने ये क्राइम किया है, तो सारे लोग उसकी इज्जत नहीं करते और वो अपने इस पाप में लगातार तपता रहता है जब तक वो मरता नहीं है। और अगर लोगों को, किसी को ना भी पता चले तो भी वो अपने अंदर ही अंदर तपता रहता है उस अग्नि में जब तक कि वो खत्म ना हो, खत्म होने के बाद भी तपता रहता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami।